हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज है सैटरडे और ये इवनिंग का 4:30-5:15 हो रहा है, बस बारिश चालू। और ये संडे का मॉर्निंग का ब्लॉग है। मैं कल ही ब्लॉग शुरू कर दी थी पर बीमार हो गई, तो आज से कर रही हूँ। रेडी हो गई और चलिए तो चलते हैं किचन। किचन में जाके फिर से बात करेंगे हम लोग, और कुछ काम है, नाश्ता बनाएंगे। जो है आप लोग आवाज़ से ही समझ सकते हैं कि मेरा तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं है। चलिए चलते हैं। और मैं अभी नाश्ता बना चुकी हूँ और पूजा पाठ सारा काम ख़त्म। और ख़त्म करने के बाद मैं नाश्ता कर रही हूँ अभी। मैं आज सैंडविच बनाई थी मॉर्निंग में, पर आप लोग के साथ आज शेयर नहीं की मॉर्निंग का जो नाश्ता यानी जो भी ब्रेकफास्ट बनाई उसका रूटीन, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबा हो जाता, क्योंकि मैं लंच का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। बस इसी वजह से लंच में हम लोग कुछ अच्छा सा खाएँगे। चिकन आया है तो चिकन का हम लोग रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। ये बनाएंगे मेरे हस्बैंड, आज बनाएंगे चिकन का फ्राइड चिकन, तो बस उसको शेयर करूंगी। गुड मॉर्निंग, हाय। पहले खा लेते हैं फिर बात करेंगे ना। नाश्ता कर लेते हैं। और अभी मैं नाश्ता करने के बाद आ गई हूँ रूम में, बैठी हूँ। आप लोग देखिए मैं मेडिसिन खा रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को बोल रही थी ना कि मैं बीमार हो गई थी। बस इसी वजह से कल इवनिंग से मैं ब्लॉग जस्ट शुरू की थी। उसके बाद ये मार्केट गए, उनका कुछ काम था, तो तभी से मेरा सिर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया, पता नहीं। और बुखार भी थोड़ा सा आ गया था। परसों में जब घर सब क्लीन की तो मेरा नहाने का टाइम बहुत डिस्टर्ब हो गया था, और साथ में वेदर के चेंज होने के साथ साथ पानी के साथ भी थोड़ा काम बढ़ गया इस वजह से। और मैं मेडिसिन खाना एकदम पसंद नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि इससे अच्छा मैं मर जाऊँ, पर मेडिसिन नहीं खाऊँगी, इसीलिए इनको देना पड़ता है मुझे मेडिसिन। अभी फैन चल रहा है तो घड़ो घड़ो लोगों कहाँ नीचे फेंक दिए। मेरे पास चार आंखें, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। बुरी नजर वाले बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हम क्या किए हैं कि मेरा मुंह काला? बुरी नजर वाले, हम बुरी नजर किस पे डाले? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मुझ पे डाले बुरी नजर। तुम्हारे ऊपर हम बुरी नजर डाले, मेडिसिन खिला के अच्छा नजर डाल रहे हैं। इतना अच्छा पति भगवान करे, सबको दे। गाली दे रहे हो या सही में बोल रहे हो? सही में बोल रहे हैं। हमको तो लग रहा है गाली दे रहे हो। नहीं नहीं नहीं, सच्ची में बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग, बहुत मिलते हैं। मेरा कल रात भी डिनर भी बनाए हैं, खाए हम लोग, तो वो सब कुछ क्लीन भी किए हैं। जब भी मैं बीमार हो जाती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही टेंशन में आ जाते हैं। सबका हस्बैंड ही बहुत केयरिंग होते हैं, पर मुझे लगता है मेरे हस्बैंड थोड़ा ज़्यादा ही केयरिंग है। और मैं अभी लेटे लेटे थोड़ा सो जाऊँगी। सो जाऊँ नहीं, फिर से सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। मेडिसिन खाई हूँ, कुछ देर बाद ठीक लगेगा। थोड़ा सा बस 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी। वो मुझे आज बहुत अच्छा सा लंच कराएंगे बोल रहे हैं। क्या बना दीजिएगा? जो खाइएगा। क्या बना दीजिएगा जो लाए हैं उसका? क्या बनाइएगा जो आपको हो पसंद? जो हमको हो पसंद वही लंच बनाओगे? बनाओगे ना? मैं खुद भी बना सकती हूँ, आप मना कर रहे हो। चावल मेरा जिम्मेदारी है, आप कुछ बोल रहे थे कुछ बनाओगे। आप क्या बोल रहे थे क्या बनाओगे? आप जो बोल रहे थे क्या बोल रहे थे बोलिए ना।
कर लेते हैं आप। चिकन मकड़ी, मकड़ी, चिकन मकड़ी नहीं, कुछ अच्छा सा बनाएंगे। वो आज मेरे लिए फ्राइड चिकन बनाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को कैसे बना रहे हैं। बस चावल में बना लूँगी, उनको बनाना नहीं आता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है, पर थोड़ा रिस्क का बात है तो वो नहीं बना सकते हैं, मैं ही बनाऊँगी। और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद जाऊँगी, तब तक मेरा मेडिसिन का असर भी हो जाएगा और मैं बना दूँगी। वो लाए हैं मार्केट से, शेयर करूँगी उसको, बनाएंगे वो, शेयर मैं करूँगी। हाँ कब जाइएगा, बुलाए हैं तो 10 बजे बोले थे ना आप, 10:30 11 बजे पूजा शुरू होते होते टाइम भी तो लग जाएगा। बैठो ना अभी, हाँ बैठो, हाँ तो अभी कुछ देर बाद जाइएगा, बैठो यहाँ पर। अच्छा पति सबको मिले इस तरह से, गाली दे गई है ना, नहीं सबको अच्छा पति मिले इस तरह से मिले, मेरा अच्छा पति तो है, कितना बात मेरा, कितना केयर करते हैं, ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं अपना तारीफ सुन के। गाली दे रहा हूँ नहीं, अपना तारीफ सबको ही सुनने से खुश होता है, मैं भी खुश होती हूँ। थोड़ा मेरा तारीफ कीजिए तो, कीजिए ना थोड़ा सा तारीफ। हाँ नहीं, नहीं? कहाँ चले, देखते हैं कहाँ जाओगे, चल गए मुस्कुराते हुए चल गए। एक पूजा है, बुलाए हैं वहाँ पर, तो फिर कब जाएंगे पूछ रहे थे, बस कुछ देर बाद ही निकलेंगे क्योंकि 10 बजे पूजा शुरू होगा वो लोग बोले थे, तो 10 बजे ही नहीं जा पाएंगे। ला रिमोट दो, लाओ लाओ। और मैं उठ के अभी थोड़ा बैठ गई हूँ, मुझे ठीक भी लगा, थोड़ा थोड़ा फ्रेश लगने लगा है, पर बनाएंगे तो भी जो बाकी का है मैं बना लूँगी, और मेन आइटम जो है वो बनाएंगे क्योंकि उनको आज बनाने का भी मूड है और मुझे बनाना नहीं देने खोज रहे हो, और नहीं चाहते कि आज मैं बनाऊँ, तो ठीक है आज छुट्टी भी है तो फिर इस वजह से। आप लोगों में से अगर कोई मेरे चैनल में नए हैं तो उन्हें रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप हर वीडियो का मजा ले सकें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए, और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगे। और आप मेरा पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, उसके लिए आप मेरा चैनल का नाम टाइप कीजिए, उसे आप मेरा पूरा जितना भी पुराना वीडियो है सबको देख सकते हैं, आई होप आपको बहुत मज़ा आएगा और आप उसको भी देख के बहुत खुश होंगे, तो उसको भी देख लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग को कैसा लगा। अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप चलते हैं किचन और बनाते हैं आज का लंच। चलिए 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 किचन चलते हैं। किचन में आ गई हूँ, ये देखिए क्या कर रहे हैं ये, अच्छा लहसुन को छील रहे हैं, स्पेशल कुछ अलग सा बनेगा इसका। और ये चिकन है, कितना चिकन लाए हैं, 1 किलो चिकन है, और लहसुन को छील रहे हैं, थोड़ा प्याज व्याज चाहिए होगा, मैं उसको काट लेती हूँ पहले ना मुझे नहीं काटना है, वो भी आप करोगे देखिएगा नाखून में लग जाएगा। बस मैं उनको थोड़ा मदद कर देती हूँ, फिर आप लोग को दिखाऊंगी क्या 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 है हम लोगों ने। हाँ ये लहसुन का पेस्ट था ना, अदरक लहसुन, अदरक लहसुन का पेस्ट है। अच्छा अंडा है, एरोरूट है, मैदा है, ये कॉर्नफ्लोर है, कितना लिए हैं कॉर्नफ्लोर, कुछ ऐसा नहीं है, 2-3 चम्मच मैदा है या थोड़ा सा कम है कॉर्नफ्लोर से। बस क्या प्रोसेस कर रहे हैं कीजिए। सबसे पहले चिकन को हम लोग ले लेते हैं,
चुन चुन के ना, चुन चुन के कम ये होंगे। हाँ लेग पीस, लेग पीस ले लिए, ये एक अच्छा पीस है और देख लेते हैं, ये एक पीस है और क्या चुनने पीसेस चुन लिए हैं। ये देखिए हम लोग का बस कम आदमी का फैमिली है, बस इसी वजह से थोड़ा सा ही लिए हैं चुन चुन के कई पीस। और अभी उसको क्या करना है, इसके ऊपर सबसे पहले ये जो अंडा है हाँ, इसको हम लोग फोड़ेंगे, फोड़ना है अंडा, अंडे का फंडा, बस हो गया अंडा का पेस्ट। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे, एक चम्मच दो चम्मच बस, वो बचा के रख रहे हैं, वो बाकी का बनेगा जाए। दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट दे दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, नमक दे दिया गया है, नमक दे दिए, थोड़ा सा पहले नाम का, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी भी ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी बनाया हो हल्दी होने से कितना अच्छा कलर कलर दिखता है ना। अब इसमें हम लोग डाल देंगे ये कॉर्नफ्लोर, एक साथ डाल दीजिए ना, क्या होता है मैदा, पूरा एक साथ डाल दी, ओके ओके मैरिनेट करना है। थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देते हैं ना, थोड़ा सा जीरा पाउडर, स्पून नहीं लाए हैं इसे, बस 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 हो जाएगा ना। हाँ बस जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर दे दीजिए। हाँ दे रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए दो चम्मच जैसा बड़ा बड़ा चम्मच दही का, ये मेरा छोटा चम्मच है इसलिए हम थोड़ा सा और दे रहे हैं। अगर आप लोग को दही देने के बाद लगे कि थोड़ा सा आपका बैटर जो है वो पतला हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा और कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा ऐड कर सकते हैं। अब मेरा देखिए, मेरा फर्स्ट क्लास का हुआ है, हम लोग पूरा मल मल के इसमें लगा दिए हैं। अब इसमें हम लोग कलर चूंकि इसमें नहीं है, अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, अब फिर से एक बार हम लोग इसको मिला लेंगे पूरे अच्छी तरह से। अब हो गया है मैरिनेशन, मतलब मैरिनेट करने के लिए रख दिए हैं, बस इसको अभी ढक देना है और आधा घंटा या 45 मिनट के लिए हम लोग इसको रख देंगे फ्रीज में मैरिनेट होने के लिए। ये
बहुत ही टेस्टी, अंदर से पूरा कंची और देख सकते हैं अंदर पूरा जूसी है, मतलब इतना टेस्टी लग रहा है। दाल में दाग नहीं, मजा आएगा। अब खुद अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाओगे। बहुत टेस्टी केएफसी का ना भूल जाए। और एक कोट लगा देने से पूरा केएफसी का वो बन जाता। सेटा तो मालूम है। এটা তো দিল্লি ফিওতে গুটি গুটি সব করছে কে পরে এটা আমরা রাখাচ্ছি হ্যাঁ বলা সামনে হ্যাঁ তোমরা 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 আই বলে কে কানে হ্যাঁ হ্যাঁ আর তুমি সব No, 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 ये देखिए घंटा है, घंटा पहुंच गया। हाँ जी मैडम, और एक प्लेट ना और नहीं हो गया बस। पैसा का मैडम, पैसा इसका पैसा देने लायक हम लोग ने, आगे हम लोग भाग जाएंगे। आप ही लोग बताइए, रेस्टोरेंट में हम लोग खाते हैं तो पैसा देते हैं ना? पहले दे दीजिए। अरे 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 दे दीजिए। नहीं नहीं मैडम, बिल एडवांस पेमेंट है। बिल हम लोग खा लेने के बाद फिर टेस्ट करेंगे। फिर हां फिर देख लेंगे। एडवांस पेमेंट होता है? नहीं हम लोग देख, एडवांस होता है। ये लीजिए, खाने के बाद रेटिंग होगा फिर बिलिंग होगा। गरमा गरम अभी ये। हां ये मेरा है, आपकी बात मोदी सर का सर। नीचे फेंक दिया, इसमें है अब नहीं तो बोले तो। लोग तो पूरा टेस्टी टेस्टी सा खा लिए, और अभी मैं थोड़ा जा रही हूँ रूम, उसमें कपड़ा उपड़ा है पड़ा हुआ है, ज़्यादा कपड़ा नहीं धोई थी, दो चार ही है, उसको अभी फोल्ड कर लूँगी। अब टीवी देखोगे? अब न्यूज़ देखोगे? अभी अच्छा तो मैं भी अभी रुकिए, हाँ कपड़ा को फोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि दो चार ही है कपड़ा, डांट मिला था धोई तो। बस कपड़ा भी हो गया फोल्ड, तो चलते हैं, गेट सब बंद करके आएंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। ये वाला गेट को बंद कर देते हैं, इस तरफ से काफ़ी धूप आता है,
इधर से इधर से थोड़ा धूप आता है, तो ये गेट को पहले बंद कर दिए। अब चलते हैं बाहर का गेट को बंद करेंगे, फिर हम लोग करेंगे रेस्ट, क्योंकि दोपहर है और बिना गेट को बंद किए अभी कैसे सोएंगे। और आप लोग भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा अभी, और नेक्स्ट वीडियो आने तक वेट कीजिएगा, और इस तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए जो कि मैं अपना वीडियो अच्छा अच्छा डाल सकूं। बस चेन गेट को भी कर लेते हैं बंद। बस हो गया, तो आज के लिए बाय बाय, मैं चलती हूँ रेस्ट करने। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।